हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छा हो गए और पेपर बहुत लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। फिजिक्स का पेपर इस साल तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, मतलब ज़्यादातर एवरेज और इजी वाले थे। डिफ़िकल्ट वालों की संख्या बहुत ही कम थी, 24 क्वेश्चन इसमें से इजी वाले क्वेश्चन थे जो हर एक बच्चा कर सकता था। और उसमें से तुम देखोगे जो 22 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वो एक मीडियम लेवल में थे लगभग, तो ये आ गया 46 क्वेश्चन हो गया। तो जो 4 क्वेश्चन बच गए वही हॉट वाले थे, ठीक ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो कि अंडर 100 रैंक वाले ही बच्चे करते हैं जनरली, और जिनके जो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो इन सबको मिला के अगर जो प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पे फिजिक्स की वीडियो अपलोड है, जो देखा होगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, ठीक है ना। अब जो बच्चे 2025 का टारगेट बना रहे हैं वो हमारे साथ बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द मोनोक्रोमैटिक लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस बाय वाइट लाइट। अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट की प्लेस को मैं रिप्लेस करके समझ रहे ना, मोनोक्रोमैटिक लाइट की प्लेस में मैं वाइट लाइट डालूं तो वाई डी एस सी में क्या बनेगा? देखो वाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होगे, दो स्लिट होता था यहाँ से S1 S2, और मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते थे, तो यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनता था और फिर यहाँ बीच में डार्क, फिर ब्राइट, और यहाँ से फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, और फिर ब्राइट, और फिर ये ब्राइट पूरी तरह से वाइट होता था अगर यहाँ से लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन अगर लाइट कलरफुल होती है तो ये जो ब्राइट वाला होता है वो ब्राइट तो होगा ही होगा, ठीक है ना, सराउंडेड बाय द मतलब वाइट होता है, लेकिन इसके आसपास कलर ड्यू टू पाथ डिफरेंस जो है, अलग अलग पाथ डिफरेंस की देर भी जो है कलर फ्रिंज आसपास थोड़ा सा राउंडेड होता है। तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, जो मैच कर लेना, थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, एक बैटरी लगी है, ये पूरी की पूरी जो डॉट डॉट यहाँ दिखाया है ये पूरी की पूरी एक बैटरी है, ठीक ना, और जिसकी बैटरी की रेजिस्टेंस 1 mA और 4 ओम यहाँ लगा हुआ है, तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। तो ये कहता है जो पॉइंट बैटरी मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें निकालना है, और इसको मैं डेल्टा वी भी बोल सकता हूँ। बात आ रही समझ में? तो इसको निकालने के 2 तरीके, पहले तो फार्मूला लगा दो, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू EMF E-IR लगा दो, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी EMF E10, और माइनस तुम्हें करंट पता नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें, तो करंट की वैल्यू इस सर्किट में कितनी आ जाएगी? करंट आ जाएगी वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है भाई? वोल्टेज यहाँ 10 है, नेट रेजिस्टेंस 4 + 1 5 हो गया, दैट इज़ यहाँ से 2 एम्पियर। तो 2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो कितनी आ जाएगी? इस वाले इक्वेशन में रख दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 माइनस यहाँ से 2 × 1 8 वोल्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ से अपना थर्ड ऑप्शन सही है। अगर आपको फार्मूला एग्जाम में भूल गया तो मैं एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ, KVL लगा दो। सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लगा दो, KVL 1 पॉइंट से चलो सारे अप एंड डाउन नोट करो, तो करंट की वैल्यू तो 2 एम्पियर हो ही गई, आप निकाल ही सकते हो, और पॉइंट 2 की वोल्टेज यहाँ से पॉइंट 2 है, और माइनस यहाँ से IR, और यहाँ से प्लस 10 वोल्टेज इक्वल टू V1 पे पहुँच गए, तो यहाँ से V2 माइनस I2 और रेजिस्टेंस 1, यहाँ से प्लस 8 वोल्टेज इक्वल टू V1, तो यहाँ से V2 माइनस V1 की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 वोल्ट, दैट इज़ डेल्टा वी, दैट इज़ डेल्टा वी, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन सही बन जाता है, ठीक है। तो ये आप KVL भी लगा सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो एक आसान क्वेश्चन है, ये टाइटली वाउंड क्वायल है, अगर मेरे पास एक क्वायल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स सर्कुलर क्वायल है जिसकी रेडियस इसमें से स्मॉल आ रहा है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुल मिला के 100 टर्न्स बनाए गए हैं, और जिसमें करंट भी फ्लो हो रही है, यहाँ से कितना दिया होगा, यहाँ से करंट दिया हुआ है, हाँ 7 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो अगर 7 एम्पियर और 10 सेंटीमीटर का यहाँ से इसकी रेडियस है, तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आप आई होप कि रटे होगे, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई यहाँ से 2R होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट की वैल्यू करो 4π, यहाँ से 4π × 10 की पावर -7, और करंट यहाँ से 7 एम्पियर,
और यहाँ से 2, और यहाँ से रेडियस जो है वो 10 है, और सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करना आपको नहीं भूलना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से ये टू टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा 14 × π की वैल्यू 3.14, और ये आ जाएगा ये 10 10 कट गया, और ये आ जाएगा 10^3 और 10^-4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 43. यहाँ से 96 × 10^-4 टेस्ला, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा फो ये 10, इस पे -3 कर दिया, 1 पॉइंट बढ़ा, 4.396 और × 10^-3 टेस्ला, या अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 4.4 मिली टेस्ला। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से थर्ड ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। आई होप कि आप इसको करके आए होगे। ये देखो एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होती है उसकी जो सस्टेबिलिटी होती है वो 0 और 1, -1 के बीच, मतलब निगेटिव होती है। और तो मतलब एक अपना सीधा सीधा मैच कर गया सेकेंड, तो ए का सेकेंड अगर मैच करता है तो ए का सेकेंड चलो मैच कर गया। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल उसकी सस्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, 0 होती है, तो डी का फर्स्ट मैच कर गया। तो कुल मिला के ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसका सही है, मतलब जिस बच्चे का पेपर है उसने सही किया है, थियरी और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है टेकिंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी। देखो यहाँ से ए से बी पे गया, बी से सी से गया, सी से डी पर गया, दोबारा गया, तो वर्क डन इन द गैस पाथ, देखो वर्क डन बी सी में निकालना है। देखो अगर पूरा वर्क डन होगा तो ये एरिया निकालते, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व पढ़ाया था, लेकिन हमें पूरा वर्क नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए वर्क डन इन बी सी प्रोसेस। तो जो बी से सी पर जाओगे, बी से सी पर जाओगे, जो कि वॉल्यूम एक्सिस, यार पी वी डायग्राम है यहाँ से, समझ रहे ना, ये पी है और ये बी है, तो वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझ रहे हो, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है 0 है, और वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा भी होता है, तो जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो वर्क डन जो बी सी प्रोसेस में है, ओनली बी सी में पूछा है, ओनली बी सी में पूछा है, तो बी सी में वर्क डन 0 होगा। अगर टोटल पूछा होता तो ये एरिया निकालते, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ से अनपोलराइज लाइट स्ट्राइक ऑन ए ग्लास ग्लास सर्फेस ब्रिस्टर्स एंगल। ब्रिस्टर्स एंगल क्या होता है भाई, ब्रिस्टर्स एंगल सब ये होता है जब अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है और ये जो है रिफ्लेक्टेड वाली कम्प्लीटली पोलराइज होती है और ये पार्शियली पोलराइज होती है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कम्प्लीटली पोलराइज होती है और रिफ्रेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं। ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें से द क्वान्टिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दो ऑफ सॉलिड एंगल। हम सबको पता है कि जो एंगल होता है, चाहे वो सॉलिड एंगल हो, चाहे वो सॉलिड एंगल हो और चाहे वो प्लेन एंगल हो, ठीक ना, प्लेन एंगल हो, ये जो ये जो होते हैं, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क, आर्क इज इक्वल टू होता है एंगल मल्टीप्लाइड बाई, एंगल मल्टीप्लाइड बाई रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल होता है, एंगल दैट इज आर्क अपान आर्क, आर्क आर्क अपान रेडियस आ गया, तो आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट, डायमेंशनल लेस होता है एंगल। तो जो एंगल डायमेंशनल लेस होता है तो सॉलिड एंगल भी डायमेंशनल लेस होता है। प्लेन एंगल और स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है, आई होप कि आप पढ़े हुए, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी डायमेंशनल लेस होता है और यूनिट लेस होता है। तो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आर्क, ये आर्क लिखा है, आर्क की डायमेंशन एल हो जाएगी, और यहाँ से स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, डायमेंशन हो जाएगा, और यहाँ से एंगुलर स्पीड के पास डायमेंशन हो जाएगा। तो ये सारे अपने गलत है, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। ये देखो एक आसान सा सवाल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट, जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये भी 2 का 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 है, तो बैलेंस है, तो इसका तो यूज ही नहीं है। तो अगर ये दोनों बैलेंस हैं तो ये दोनों आपस में सीरीज में हैं,
ठीक है, और ये दोनों आपस में भी सीरीज में है, तो इन दोनों का जो सम है, ठीक है, दो इन दोनों का दोनों अगर सीरीज में है तो इनकी इक्विवेलेंट होती है सी और सी, और यहाँ से सी और सी प्लस सी। तो यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन टू सी मतलब सी बाई टू आ जाएगी, ठीक है, और नीचे जो आ जाएगा वो भी सी बाई टू आ जाएगा। तो अब यहाँ से सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये कैपेसिटर यहाँ से सी बाई टू, और यहाँ से ये भी आ जाएगा अपना सी बाई टू, और ये जो सी बाई टू है सी बाई टू अगेन ये दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट जो है सी वन प्लस सी टू होता है, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू आधे आधे को जोड़ोगे तो सी मिलेगा, और यहाँ से सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। और अच्छा होगा कि इसको याद रखो कि जब सारे बराबर बैलेंस होते हैं, जब सारे बराबर होते हैं तो पांचों बराबर होते हैं, तो एक का जो है नेट इक्विवेलेंट एक के बराबर होता है, ऐसे याद कर लो ना। यहाँ से देखो एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट एक्स इजिक्वल टू यहाँ से 2t-1 है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 5 न्यूटन का एक पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इधर है और ये मैं मान लेता हूँ फोर्स भी इधर है, तो थीटा इनके बीच का एंगल 0 है, तो फोर्स फोर्स जो होता है जो पावर होता है इंस्टेंटेनियस पावर वो एफ डॉट बी होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, या यहाँ से एफ वी कॉस 0 मतलब यहाँ एफ वी के वैल्यू के बराबर हो जाए, तो यहाँ से वेलोसिटी वी हो जो होता है इसका डेरिवेटिव लो लोगे dx ओवर dt तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से जो है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 10 अगर ऐसा यूनिट में सॉल्व करोगे तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों यहाँ से देखोगे ये वाली सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्रेजेंस कॉन्स्टेंट अबाउट द फोटोन के बारे में, द एनर्जी ऑफ फोटोन, आई होप आप सबको पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ई इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है, तो ए करेक्ट आंसर, तो ए तो करेक्ट है ही, और लाइट की स्पीड सी होती तो बी भी करेक्ट है, मतलब सी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो फोटोन की जो मोमेंटम है तो फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू और एच न्यू होती है एच न्यू सी अपॉन लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब जो फोटोन की जो मोमेंटम होती है मोमेंटम पी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ठीक है एच प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लैम्डा होती है, और यहाँ से तुम मोमेंटम को तुम लिख सकते हो यहाँ से मोमेंटम इज इक्वल टू मूविंग मास, नहीं तो तुम यहाँ से निकालो ना मोमेंटम, यहाँ से देखो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है एच न्यू यहाँ से तुम देखोगे तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी है, और एच न्यू जो है एनर्जी अपॉन यहाँ से सी है, तो जो यहाँ से तुम बात करोगे ये डायरेक्ट तुम यहाँ से अगर नहीं तुम्हें याद है तो तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो कि यहाँ से जो एनर्जी है वो यहाँ से पी और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक ना। या नहीं तो तुम एक काम करो, तुम्हें नहीं आ रहा मोमेंटम निकालना तो मोमेंटम निकाल लो ना, यहाँ मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है, और मूविंग मास इज इक्वल टू एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू सी अपन लैमडा, और यहाँ से जो एनर्जी है हाँ और हाँ और एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से एक सी ठीक है क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक से इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से मूविंग मास इज इक्वल टू एच अपॉन सी लैम्डा के बराबर हो गया, तो यहाँ से मोमेंटम मूविंग मास रखोगे एच सी लैम्डा, और यहाँ से वेलोसिटी सी रखोगे तो यहाँ से एच अपॉन लैम्डा जो है वो मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एच अपॉन लैम्डा तुम्हें यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ से एच अपन लैम्डा मोमेंटम कैलकुलेट हो गया, और लैम्डा को यहाँ से यूज करके लाइट की स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से सी और फ्रीक्वेंसी और यहाँ से लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू है सी अपन न्यू फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ से एच और लैम्डा की वैल्यू रखोगे सी अपन न्यू तो यहाँ से मोमेंटम ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी चला गया बट तुम समझ जाओ, तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या सी जो है सी भी सही है, मतलब कुल मिला के
ए सही है, बी सही है, सी सही है। इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम है, तो फंडामेंटल लॉ है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, तो डी भी सही है। फोटोन पॉजिटिव, फोटोन मासलेस पार्टिकल है, कभी चार्ज नहीं हो सकता, तो अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, अगर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है जिसकी सर्कुलर पाथ में चल रहा है और तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो चेंज इन स्पीड तो जीरो होगा। एक बच्चा 100 मीटर पर सेकंड से सर्कल पे दौड़ता है लेकिन उसकी जो रेडियस वेक्टर है अगर देखोगे तो हमेशा चेंज होगा, तो जो एक्सलेशन होता है सेंट्रिपिटल एक्सलेशन, ये सेंट्रिपिटल जो फोर्स होता है वो एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है, तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन जो होती है वो वी स्क्वायर आर होती है, वो कांस्टेंट होती है सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। जब पार्टिकल यहाँ है तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन इधर लगेगा, जब पार्टिकल यहाँ है तो इधर लगेगा, जब पार्टिकल यहाँ है तो सेंट्रीपिटल, कितनी बार पढ़ाया हूँ, तो इधर लगेगा इधर लगेगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। तो यूनिफॉर्म तो स्पीड है लेकिन डायरेक्शन एक्सलेशन का वेरिएबल है, तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी, वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर ऐसे वेरी करेगी। ठीक है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ऐसे है, ये ऐसे वेलोसिटी है और एक्सलेशन हमेशा सेंटर की तरफ है, तो मतलब हम फोर ऑप्शन सही, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, एक्सलेशन भी वेरिएबल, बाकी यहाँ से रॉन्ग है। तो अगर तुम देखोगे ये वाला एक क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोस्टेट का क्वेश्चन, एक थीन स्पीयर है, अगर एक स्पेरिकल बॉडी है और बाहर में चार्ज देते हो, तो आई होप कि आपको ये बात पता होगा कि अंदर में जो फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है, तो अंदर में जो फील्ड होता है और ज़ीरो होता है और पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आई होप कि आप ग्राफ भी बनाए होगे पोटेंशियल का, सेंटर से चलोगे वी और आर का ग्राफ तो कुछ ऐसा आता है बाहर में ऐसा, तो जो पॉइंट वन है ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल के बराबर है और ये सब सरफेस के बराबर है, तो जो पॉइंट दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है, मतलब थर्ड ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख लो ये वाली चीज, ये कहता है द ग्राफ बिटवीन द वेरिएशन वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी ई, अब डी ब्रोगली लैम्डा इज द डी ब्रोगली, देखो अगर तुम पढ़े होगे तो यहाँ से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम पी होता है, एच अपॉन मोमेंटम को मैं एम भी लिख सकता हूँ, एच अपॉन मोमेंटम को टू टाइम्स मास काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ से टू टाइम्स मास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ग्राफ किसके किसके बीच के बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन टू एम और वन अपन यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बचेगा, ये पूरा कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपन लैम्डा स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के स्क्वायर का। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर अलग है लेकिन ये पूरा ग्राफ हमें वन अपन लैम्डा में बनाना है, तो वन अपन लैम्डा में जो ग्राफ बनाया गया है वन अपन लैम्डा ये वाली और ये वाली ई के बीच, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, अगर सिर्फ लैम्डा में अगर ग्राफ बनाया जाता, सिर्फ लैम्डा में ग्राफ बनाया जाता तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर ई में नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, नॉट पैराबोला आता, लेकिन वन अपन लैम्डा में ग्राफ बना दिया, दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ से देखो एक आइडियल ट्रांसफार्मर है बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ द वोल्टेज इन सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स में जितना ज़्यादा होता वोल्टेज उतना ज़्यादा होता, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो यहाँ से जो है ये 1/2 आ गया और वोल्टेज इन प्राइमरी और वोल्टेज इन सेकेंडरी, लेकिन ये जो पूछा है वोल्टेज इन सेकेंडरी का रेशियो पूछा है, वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी की रेशियो 2/1 आ जाएगी जो कि 2:1 होगी, तो अगर 2:1 होगी तो अपना सेकेंड ऑप्शन यहाँ मैच कर जाएगा।
तो आई होप कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और कुछ जो बचा हुआ वो मैं पार्ट टू में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, ये मतलब ऑथेंटिक और प्रिसाइज जो है लेक्चर, अभी मैं थ्योरी अपलोड कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।